सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं फुर्ती से पूरी चर्चा तो नहीं करूंगा, फुर्ती से एक काम की बात कहूंगा। पूरा विषय लेने में तो मुझे बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन उसे मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। जैन धर्म की हानि क्यों दिखाई दे रही है और जैन धर्म का उत्थान कैसे हो, उन्नति कैसे हो, इस प्रश्न की चर्चा अपन 16 कारण में करेंगे। 15 मिनट फटाफट लूंगा मैं इसे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट मुझे फिर इसमें से एक लेना है। मैं जो विषय लेने जा रहा हूं उसकी उपयोगिता नहीं समझ में आएगी आपको तो 45 मिनट मेरे बेकार चले जाएंगे। तो पहले मैं आपको उपयोगिता बताना चाहता हूं कि जैन शासन की उन्नति क्यों नहीं हो रही। लेस्या का नाम सुना है आपने? लेस्या, इनमें तीन अशुभ लेशियाएं हैं। तीन अशुभ लेशियाओं से धर्म की उन्नति नहीं होती और तीन शुभ लेशिया वाले जीवों के निमित्त से धर्म की उन्नति होती है। तो वे तीन अशुभ लेशिया क्या हैं? मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा आपको। वैसे तो मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उतना मैं अभी नहीं चलाऊंगा, शॉर्ट में सुन लो आप। कृष्ण लेशिया, अशुभ लेशियाओं में सबसे महान, खतरनाक वो है कृष्ण लेशिया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, विश्व के 99% जीव कृष्ण लेशिया वाले, इनसे धर्म की उन्नति नहीं हो सकती। ये धर्म देखकर अच्छा नहीं समझते, धर्म को देखना अच्छा नहीं समझते। धर्मात्मा को देखते से इनका चेहरा बदल जाता है। मंदिर देखते से ऐसा, क्या मंदिर मंदिर लगा रखा है तुमने, क्या सास सास, मेरा बस चले तो कृष्ण लेशिया का। 99% जीव राशि कृष्ण लेशिया की प्रबलता वाली होती है। ये जो छह लेशिया है ना, छह लेशिया है, यदि मैं इसको फ्रिक्वेंसी समझते, फ्रिक्वेंसी रिपीटेशन, आवृत्ति, रिपीट होना। पहले गुणस्थान वाले जीव को सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी कृष्ण लेशिया की होती है। मैंने पहले गुणस्थान में अपन भी हो यदि जैन तो समझने जैसी बात है कि पहले गुणस्थान में असंख्यात फ्रिक्वेंसी कृष्ण लेशिया की होती है और उसकी असंख्यात भाग, मैंने असंख्यात भाग कृष्ण लेशिया निकल जाए तो एक बार नील लेशिया आती है, असंख्यात भाग वो निकल जाए तो एक बार कापोत लेशिया आती है। इसीलिए हमारे पास अनवांटेड थॉट्स, गंदे विचार बहुत ज्यादा आते हैं। मंदिर में भी आ सकते हैं, दर्शन करते आ सकते हैं, पूजन करते आ सकते हैं, तीर्थ यात्रा करते आ सकते हैं, आप अष्टमी चतुर्दशी का व्रत उपवास ले लो तो आ सकते हैं। इसीलिए मन को बहुत चंचल कहा है, क्योंकि मन की फ्रिक्वेंसी असंख्यात और उसकी उसकी एक फ्रिक्वेंसी वचन में आई है, समझ में। असंख्यात बार मन में आए तो एक बार वचन में आए और असंख्यात बार वचन में आए तो एक बार काया में आए, काया में सबसे कम आती है। कठिन तो नहीं लग रहा? पहले लेस से समझ में आ रही, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो तो फिर मैं लेस से समझाऊं दे रहा थी। एक को नहीं समझ में आती, बोलिए आती है तो ठीक है, तो सबको समझ में आ रही तो फिर मत बोलना, नहीं तो बाद में मैं टॉप गियर में चला जाऊंगा। तो समझो जरा, नहीं समझ में आए तो पूछ दें दीपक कहाँ है, हमें दर्शन करा के लाए थे, आए कि नहीं आए अभी, अभी नहीं आए, उनकी एक अच्छी बात का जवाब मिल जाता। कोई बात नहीं, समझो जरा,
क्या बोला मैंने, मैंने आप देखो आज सुबह बोले थे नहीं कि मन वचन काय व्रत कारी तन मोदना से ब्रह्मचर्य का पालन करी थी, तो गुरुदेव ने कभी मन से नहीं दिया, वो काया से देते थे। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा यदि मन से करते हैं तो मन की प्रतिज्ञा टूटेगी, उसका कारण है कृष्ण लेश्या। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक कृष्ण लेश्या हावी होती है, चले तीन अशुभ लेश्या हैं। पांचवे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक तीन शुभ लेश्या हावी होती रहती है, आठवें गुणस्थान से शुक्ल लेश्या चलती रहती है, आठवें गुणस्थान शुक्ल लेश्या चलती है, सातवें गुणस्थान तक तीन शुभ लेश्या चलती है। इनके बारे में तो मैं फिर कभी समझाऊंगा, आपको करना नहीं हो, मेरे को तो ऐसा लगता है, पता नहीं, मैं तो हर सब्जेक्ट ऐसा लगता है आपको सब पढ़ा हूं। लेश्या भी जबरदस्त है, यदि आपने लेश्या नहीं पढ़ी तो 99% जिनागम नहीं पढ़ा। लेश्या माना 99% जिनागम, तीन अनियोग की अभिव्यक्ति का जबरदस्त आधार, जबरदस्त। इसलिए लेश्या बहुत पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और आप लेश्या समझ जाओगे तो बहुत, एक शब्द में कहूं तो विभाव की विपरीतता समझ जाओगे आप। अभी हम बोलते थे ये बुरा है, पाप बुरा है, झूठ बुरा है, चोरी बुरा है, कुसी बुरा है, फला बुरा है, सब बुरा है, लेकिन हमको लगता नहीं है बुरा, क्योंकि विभाव की विपरीतता नहीं मालूम। तो इसके लिए तो आप भावदीप का ग्रंथ पढ़ लेना विस्तार से, स्वाध्याय में भावदीप का ग्रंथ में लेश्यादि का है, मैं बहुत विस्तार से समझाया इसको, बहुत बढ़िया। अच्छे टाइम पे आ गए थे, थोड़ा इनको जगह दो, थोड़ा 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 बैठे इधर सर, हाँ बैठे बैठे भाई, ठीक है। अब सब बच्चे कुर्ते पैजामे पहन के आना कल से, ठीक है? कुर्ता पजामा नहीं हो तो मम्मी पापा से कह के खरीद लेना, कोशिश करो भैया, लेडीज क्लास आगे आपसे, आप लोग भी जरा एक 16 दिन के लिए वाइट कुर्ता पजामा रखो। मैं तो अभी वहां कोकमा गया, वहां सारे लेडीज जेंट्स वाइट ड्रेस, बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था, लगता है कि मानो हम साधकों के समूह में बैठे हैं। शुरू करूं, स्टार्ट करें? तो तीन अशुभ लेश्याएं होती है, उससे धर्म की उन्नति नहीं होती है। अशुभ लेश्या में पहली लेश्या का नाम है कृष्ण लेश्या। कृष्ण लेश्या पढ़ाऊं उससे पहले एक बात कहूं, मंदिरों में प्राय करके दर्पण, मिरर, अरीसा, क्या बोलते हो आप, हैं? अब जो भी आप बोल रहे हो शुद्ध शुद्ध आप समझ गए ना, दर्पण माने जिसमें हम चेहरा देखते हैं, मिरर, ठीक है कि नहीं, अंग्रेजी में तुम समझ गए ना, जिसमें अपन चेहरा देखते हैं। तो मंदिर में दर्पण लगा रहता है ना, इसका एक बड़ा महत्व की चीज है कि वो महिलाओं के बहुत काम आता है, पुरुषों के तो कम आता है। जब भी कोई उस दर्पण के सामने से निकलते ना तो एकदम चेहरे पर उस पर नजर चली आ रही। अब मान लो कि उसमें देखते से ही ये मालूम पड़ जाए कि टिकी यहाँ लगी है, टिकी समझते हैं क्या कह लेते, बिंदी, बिंदी यहाँ लगी है, या बाल इधर आ गया, या कोई बर्तन मांजते मांजते ऐसा हो गया, कुछ हो गया उन्होंने, तो क्या करेंगे? परिक्रमा पूरी करेंगे कि पाठ पूरा करेंगे, कि पूजा पूरी करेंगे, कि फर्स्ट चेक एंड करेक्ट करेंगे? केवल बोल रहा है करेक्ट करेंगे, चेक एंड करेक्ट, इसको याद रखना है, मुझे तो दृष्टांत देना था, चेक एंड करेक्ट। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपको दर्पण दिखाता हूँ यहाँ से प्रवचन के माध्यम से, तो आप चेक एंड करेक्ट करते जाना। सबसे खतरनाक परिणाम वाले हैं कृष्ण लेश्या। कृष्ण माने ब्लैक कलर, कृष्ण लेश्या माने ब्लैक कलर, सिंबॉलिक कलर है ब्लैक। कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? बच्चे ध्यान से सुनो, इधर उधर कुछ नहीं है, दर्पण उधर नहीं, इधर है, ध्यान से सुनना। हिंदी समझ में आती है? आती है? नहीं आती तो परेशानी होगी नीचे। आपको हिंदी आती? बस तो ध्यान रख, कृष्ण माने तो समझिए, नाम तो सुना ही कृष्ण, कृष्ण माने ब्लैक, ब्लैक को कृष्ण कहते हैं, ब्लैक कलर होता है ना, ब्लैक कलर, उसको संस्कृत में कृष्ण कहते हैं। शास्त्रों में क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस समझते हो?
भैंस बफेलो बफेलो क्या बोलते हो बफेलो काला अक्षर भैंस बराबर क्या रखा है इन ग्रंथों में न पढ़े न पढ़ने दी न शास्त्र पढ़े न पढ़ने दे न मंदिर जाए न जाने दे न तीर्थ यात्रा करे न करने दे न धर्म करे न धर्म करने दे ये सब कृष्ण लिशे वाले लेकिन कृष्ण लिशे वालों से धर्म की अवनति नहीं होती उतनी नहीं होती जितनी मैं बताना चाह रहा हूं उन्नति नहीं हो सकती इनसे ये बात बराबर है उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि वो मंदिर ही नहीं आना चाहे भैया ए बेटी लाइट बंद कर दे इसकी जी मर रहे हैं इसमें गिर के बस शांति कोई टेंशन नहीं समझ में आया आपको क्या हुआ था कि वो मंदिर आएगा ही नहीं तो अवनति क्या करेगा शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो अवनति करेगा क्या उन्नति तो नहीं करेगा कृष्ण लिशे की डेफिनेशन याद हो गई न धर्म करता है और न करने देता है इससे थोड़े बढ़िया है नील लिशे वाले ब्लू कलर ब्लैक की तुलना में ब्लू थोड़ा सोवर लगता है नील लिशे थोड़ी अच्छी लगती थोड़ी बेटर देन नील लिशे मैंने ब्लू कलर बराबर इसकी डेफिनेशन है ये धर्म करता तो नहीं लेकिन करने देता है इसलिए बेटर देन है बेटर देन खुद नहीं करता लेकिन करने देता है आजकल के दो तरह के लड़के हैं आजकल जैन समाज में एक तो इतना पढ़ लिख गए हैं कि धर्म को नालायक समझते हैं धर्म को नालायक नालायक समझते माने लायक नहीं समझते और कुछ ऐसे हैं कि नहीं नहीं अपना धर्म है मैं तो नहीं कर पाता हूं लेकिन पत्नी को करना है तो करें इसलिए कर्नाटक साइड महिलाएं ज्यादा धर्म करती मतलब मैंने मंदिरों में महिलाएं मिलेंगी ज्यादा ये पक्की बात है महाराष्ट्र में कर्नाटक में सभी जगह हालत ऐसी है कहीं कहीं हमें दुर्लभ दृश्य दिखाई देती है उत्तर भारत में कहीं कहीं जहां स्वाध्याय बहुत है पुरुषों में खास तो वहां पुरुष स्वाध्याय में बहुत है ऐसे बहुत स्थान है वो देखने को मिलेंगे आप गुजरात में राजकोट वगैरह में तो बराबरी से स्ट्रेंथ है बराबरी से जबरदस्त स्ट्रेंथ है बस्तरपुर में जाओ अहमदाबाद में जाओ यहां तो भर चक माने यहां तो तुमको थोड़ा कम रिजर्वेशन मिलता है उधर उनको रिजर्वेशन बहुत देना पड़ता है रिजर्वेशन समझ गए बैठने का खैर मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना कृष्ण लिशे वाले क्या करता था न धर्म करता है और न करने देता है याद हो गया दूसरा नील लिशे में कलर कौन सा था ब्लू न धर्म करता तो नहीं है लेकिन करने देता है याद हो गया याद करते थे ना मैं पूछूंगा अभी हाँ भैया लिफाफे रखना है ना लायो कि नहीं लायो ठीक है ठीक है चलो याद होगी तो कृष्ण और नील कृष्ण लेशिया और नील लेशिया अभी एक कापोत लेशिया है इसके चक्कर में मैंने इतनी बात करी नहीं तो मैं करता नहीं कापोत लेशिया का कलर है ग्रे कौन सा कलर कौन सा कलर ग्रे आप समझ गए ना कृष्ण लेशिया में काला नील में ब्लू कापोत में ग्रे कापोत का मतलब कबूतर होता है ना पीजन कहलाता है क्या कहलाता है हाँ पीजन कबूतर वो उस जैसा कलर इसकी परिभाषा सुन लो जर पर इस पे ज्यादा बोलना मुझे जिसकी वजह से मैं ये चर्चा उठाई कि धर्म की उन्नति क्यों नहीं होती कि ये धर्म करता भी है और करने भी देता है लेकिन स्वरूप नहीं समझता और ये सबसे दुखद पहलू है सबसे दुखद पहलू है फिर से बोलूं धर्म करता भी है करने भी देता है लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं समझता याद हो गया केवल बोलोगे हाँ बोलो बोलो शाबाश धर्म वाह 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 मजा कर लो वाह वाह क्या इसकी बच्चे सही में आपके यहाँ जीव तो बहुत जोरदार जोरदार है
भाभी भगवान दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। 10 का नोट देना मुझे इसको आज, अभी नहीं बाद में। अरे नहीं, इतना फाइन हिंदी में इतना फाइन जवाब दे, इतना बड़ा बोल दे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। सब रेडी रहे ना, अभी तुमसे 6 परिभाषा पूछेंगे, 3 पूछूंगा बराबर। पहले कृष्ण हुआ, नील हुआ, कापोत में क्या धर्म करता भी है, करने भी देता है, लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं समझता। इसमें मुझे ज्यादा रुकना, ये जंक्शन है थोड़ा इस पे मुझे ज्यादा कहना है थोड़ा, समझना। पूजा पाठ करता भी है, करने भी देता है, लेकिन पूजा पाठ का, पूज का, पूज का, पूज का स्वरूप नहीं समझता, पूजा का स्वरूप नहीं समझता, पूजा के फल का स्वरूप नहीं समझता। और इसीलिए जितनी गंदी पूजा होती है, 99% लोगों की पूजा गंदी होती, गंदी गंदी का मतलब समझ आ रहा है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, कहीं दृष्टि फिरती है, कहीं क्रिया होती है, चित्त कहीं का कहीं चला जाता है, वाणी कहीं की कहीं बोलती है, फटाफट फटाफट के वाणी ऐसे बोलती है। ये तो अच्छा है, सामूह में पूजा करते हैं ना, संगीत से चलता है ना, इसलिए पूजा थोड़ी ठीक दिखती है, दिखती है हाँ कम से कम वाणी का तो बैलेंस बन जाता है थोड़ा सा, बाकी चित्त कहाँ जाता है नहीं, क्रिया कहाँ जाती है नहीं, ये ठिकाना नहीं पड़े। पानी छानता भी है, छनवाता भी है, लेकिन पानी छानने का स्वरूप नहीं समझता। मुझे तो एक बात कहना है, बोलो कह दे। कल हमने देखा आपकी भोजनशाला, सब चेक करी, भैया 4 बहनों की ड्यूटी लगा दो, 4 भाइयों की ड्यूटी लगा दो, नहीं तो पानी तो प्रॉपर छानो। 16 कारण का पर्व है, बड़ा छन्ना लाओ ऐसा बढ़िया, 4 मीटर का टंकी के ऊपर बढ़िया धो धाके भरो, घड़े से भर भर के पानी भर दो, पीने का पानी, भोजन का पानी एकदम शुद्ध। वो बहुत बड़ी पूजा है, वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पानी की टंकियां अलग से भर के रखते हो आप, छन्ना लगा के टोटी नहीं बंद लगा, वो तो बहुत अच्छा किया आपने, छान दिया उसमें मर्यादा कर दो, ये धर्म ध्यान है। ऐसी भोजन का पानी आप 4 बहनें 4 भाई कोई भी जाकर ड्यूटी बना लो, अपने पानी छान और बड़ी भक्ति से करो, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, आनंद आ जाए, बहुत बढ़िया जोरदार। और नहीं तो सारी दुनिया में ये कहेंगे, भैया हम तो सुमत प्रकाश जी के विश्वास से आए थे, और वहां तो ये पानी ऐसे छन रहा था, सुमत प्रकाश जी सब बर्दाश्त कर लेते थे, तो उसका पाप मुझे भी लगेगा, माने मैं भी कापोत लेस्या में इंक्लूड हो जाऊंगा। मैं तो आते से जैसे दर्शन किया तो मैंने फौरन कहा, भैया देखो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, अच्छी आप इसको सही कर लो। मैं एक मंदिर में गए, मैंने जाले दिखाई दिए, जाले स्पाइडर के, मैंने कहा भैया अपन चल के साफ करेंगे, आज तो 14 से कल करेंगे, अपन चलेंगे, अपन हमारा मतलब है कि ये कापोतली से आए। पूजा कोई क्रिया का नाम नहीं है, पूजा विवेक का नाम है, जहां जहां विवेक तहां तहां पूजा, जहां चित्त की प्रसन्नता वहां वहां पुण्य का बंद, वहां वहां पुण्य का बंद, जहां जहां चित्त की प्रसन्नता वो पूजा का फल है, नगद फल है, नगद फल पूजा का नगद फल है, चित्त की प्रसन्नता, आप प्रसन्न होकर कर तो ये काम तो आप कर ली ना। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, धर्म की उन्नति क्यों नहीं होती, कापोतलेश्य वालों की वजह से। जितनी हानि कृष्णलेश्य वालों से नहीं होती, औरंगजेब ने बहुत तूफान मचाया, लेकिन जैन संस्कार जैन संस्कृति आज जिंदा है। बाबर ने बहुत कुछ मिटाया, लेकिन हम सब जिंदा खड़े हैं। शंकराचार्य ने बहुत मिटाया हमारे धर्म को, हमारा करोड़ों साहित्य जला दिए, करोड़ों साहित्य। तुर्क के लोग आए थे, तुर्क नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था जिन्होंने, 10,000 स्टूडेंट उस जमाने में और 1,000 टीचर शिक्षक उपाध्याय पढ़ाने वाले कत्लेआम कर दिया था, 7 बड़े बड़े हॉल, मन ये समझ लो कि इस हॉल बराबर 3 हॉल, इस बराबर 3 हॉल इतना साहित्य जला के नष्ट कर दिया था, इतने बड़े बड़े। तो भी जैन शासन की हानि नहीं हुई, कृष्णलेश्य वालों से धर्म की हानि जितनी नहीं हो सकती, नील लेश्य वालों से भी नहीं हो सकती,
दुनिया में सबसे ज्यादा हानि होती है कापोत लिस्या वालों से। क्यों? क्योंकि वो हम सब में हो सकती है। हम पूजा भी करते हैं, कराते भी हैं, लेकिन पूजा का स्वरूप नहीं समझते। हम पानी छानते भी हैं, छनवाते भी हैं, लेकिन पानी छानने का स्वरूप नहीं समझते। उपवास करते भी हैं, कराते भी हैं, लेकिन उपवास का स्वरूप नहीं समझते। उपवास टोटल मंजी साहब ने लिखा है 250 साल पहले, 250 साल पहले, उपवास करता है तो रोगियों की भांति काल गवाता है, रोगियों की भांति चेहरा उतर जाता है, देखते से लोग पहचान जाते हैं तुम्हारा उपवास है। शरीर ऐसा शिथिल शिथिल सा हो जाता है, और यदि सोफा सेट पे बैठा हो तो एल आकार नहीं बन सकता। पता नहीं कौन सा आकार बनेगा अंग्रेजी। ऐसी हालत होती है। अरे रे, देखो फिर समझो जरा, चित्त की प्रसन्नता। मैंने इसलिए बात खोली है, इसलिए आपको स्वाध्याय करना चाहिए। 16 कारण भावनाओं में सबसे ज्यादा वजन स्वाध्याय पर है, और मैं अब स्वाध्याय चलाऊंगा, मेरा टाइम हो गया 15 मिनट। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? लोगों को लगता है स्वाध्याय से क्या होगा, हम क्रिया करते ही नहीं, उपवास करते हैं, 1 महीने का 15 दिन का 10 दिन का, करोड़ों रुपए का दान देते हैं, अरे हम मंदिर बनवाते हैं। अरे तू सब कर, फल है 0, और स्वाध्याय करे तो उसका फल है करोड़ गुना, असंख्यात गुना, अनंत गुना। आपने सद्गुणी हानि वृद्धि का नाम सुना होगा, जिन्होंने स्वाध्याय की है। सबने नहीं सुना होगा तो स्वाध्याय करने वालों ने सुना होगा। जी सद्गुणी हानि वृद्धि होती क्या है? अब मुझे ऐसे भी पढ़ाऊं तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। आप तो इतने में समझ लो कि भगवान की पूजा चल रही है, कोई तो ऐसे बैठा है, असंख्यात भाग हानि। विशुद्धि में असंख्यात भाग हानि हो गया, क्या कह रहे फिर कोई तो संख्यात भाग वृद्धि, विशुद्धि में थोड़ी संख्यात भाग वृद्धि हुई। संख्यात, संख्यात माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्यात। फिर दौड़ दौड़ करके व्यवस्था कर रहा है, भगवान का आज चतुर्दशी, ओ अरे गजब हो गया, ओ महावीर भगवान का निर्वाण कल्याण का आया, अरे राम राम, कुछ याद नहीं कि सुबह से नाश्ता किया कि नहीं किया, कुछ खाया कि नहीं, कुछ नहीं, दौड़ दौड़ के भक्ति से दौड़ रहा है भगवान की पूजा में, इतना उल्लास, असंख्यात भाग। और फिर भगवान की पूजा करते करते मन वचन का शांत हो गया, सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया, अनंत भाग वृद्धि। इसी एक पूजा की क्रिया में अब बोलो तुमको हानि की तरफ बढ़ना है, संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि, और नहीं तो संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। समझ में तो आया? थोड़ा 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 माने एक जैसी पूजा में दिखाई देने। यहां इतने लोग प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन सुनने में कोई तो शुरू से मेंटेलिटी बनाकर आते हैं कि अपन तो ऐसी जगह बैठेंगे जहां पंडित जी की नजर ना पड़े। नहीं, प्रवचन में आए एक एक कम है, आ गए थोड़ा सुनेंगे, अपने को तो बहुत हारा थका हो ना दिन भर का, तो उसे ऐसा लगता है कि आगे बैठ जाओ तो जगना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा दीवार के सहारे थोड़ा सा बैठ जाए, थोड़ा ठीक ठीक है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। तो ये संख्या माने, संख्यात माने 1, 2, 3, 4, 5, माने इतने अंक मिलेंगे उनको, इतने अंक मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो उल्लास के साथ आया और आगे आकर बैठ गया, असंख्यात भाग वृद्धि, और प्रवचन की बात समझ करके सम्यक दर्शन हो गया, अनंत भाग वृद्धि। आज मेरा जन्म सफल हो गया, परम पदार्थ पायो। श्रीमद जी को जब सम्यक दर्शन हुआ तो उन्होंने एक गीत लिखा, धन्य रे आज का दिन, सफल हो गए हमारा सब। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहे? क्या कह रहे बोल बच्चे, क्या कह रहे? कुछ बैठे शांति, तुम तो किसी की और मत देखो, नहीं तो तुम्हारी संख्या भाग हानि हो जाएगी। ठीक है, अभी अभी मैं इनकी भाषा में समझा सकता हूँ, समझा दूँ?
बोलो, तुमको क्रिकेट का इंटरेस्ट नहीं हो लेकिन तुम्हारा फ्रेंड क्रिकेट देख रहा हो तो तुम भी बैठ गए। कुछ समझ में नहीं आया क्या, गेंद इधर से उधर लुढ़क रही, इधर से फेंक दी, उधर से उससे मार दी, समझ में कुछ ही नहीं आ रहा लेकिन फिर भी बैठे। तो इतना तो शांति से बैठे हो तो संख्यात, संख्यात माने काउंटेबल, कितने पॉइंट्स मिलेंगे आपको, काउंटेबल पॉइंट्स। एक असंख्यात, कितनी मेंटलिटी प्रिपेयर होती है, आज वनडे होने वाला है, सेमीफाइनल मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, नींद में तक दिखने लगता है, कितना उल्लास। और कल्पना करो फाइनल का मैच और उसमें इंडिया 28 साल बाद जीता वर्ल्ड कप, सही बताना कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। आज तो जैसे पूरे इंडिया ने कुछ पा लिया हो, इतना एक्साइटमेंट, इतना आनंद, और फ्री का पेट्रोल जला रहे, फ्री में नहीं पैसे का पेट्रोल जला रहे, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, फुग्गे फोड़ रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं काय बात के लिए। और एक सप्ताह तक खुमारी, दूसरे दिन क्लास नहीं लग सकती, क्लास रूम में पढ़ाई नहीं हो सकती। सर आज तो इंडिया ये तो आप जांच के देखो अपने परिणामों को, देखो आपको कितना फल हो रहा है। आप केवल रटी रटाई क्रिया कर रहे हो तो संख्यात, और संख्यात भाग वृद्धि का मतलब समझ में आया कि अनंत गुणा हानि, पॉइंट पकड़ में आया कुछ क्या काम है। यदि आपको संख्यात भाग वृद्धि हो रही तो अनंत गुणा हानि हुई है। यदि इतना सा फायदा हुआ है इसका मतलब तेरी विशुद्धि का लेवल कितना गिरा है, नहीं समझ में आया। इतना बड़ा गिलास दूध का भरा था और इतना सा बचा, तो दिख इतना सारा, इतना तो खाली हो गया, विशुद्धि कितना चली गई। और ये सब तब आ सकती है कब, जब आप स्वाध्याय करो। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, मैं ये समझाने के लिए इतनी बात बोली आपको। स्वाध्याय करने पर आपको जब मर्म समझ में आता है तो ऑटोमेटिक चेहरे की प्रफुल्लता, आप आते से ही बैठते हैं ना तो ऐसे बैठते, तीन स्टाइल माने जब समझ में आता जाता है तो, जब समझ में नहीं आता है तो बड़े उल्लास से आए थे माने अब आप जांच के देख लो, बस संख्यात वृद्धि है कि संख्यात भाग हानि है, ये आप देख लो। नींद कब आएगी, जब अनंत गुणा हानि हो जाए। प्रवचन में नींद आ गई, गजब हो गया, तब अनंत गुना हानि होगी, तब नींद आएगी, ऐसे नहीं आ जाएगी नींद। वो अनंत गुना हानि माने ऐसे समय में बंद पड़े तो एक इंद्री में चला जाए, ऐसे समय में देह छूट जाए तो एक इंद्री में चला जाए, इतनी हानि हुई विशुद्धि की, लायकात की। विशुद्धि कहो के लायकात कहो, लायकात की इतनी हानि हुई। ये बहुत सुंदर है करना नहीं हुई, सब पढ़ने लायक चर्चा है। मेरे तो ऐसी इच्छा होती है अलग से बैठ कर पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, मेरी इच्छा तो है। मैंने इन बच्चों भाइयों से कहा था, बच्चे तो कहने की आदत पड़ गई लेकिन भाइयों से कहा था कि सब शास्त्री इकट्ठे करो, तुम्हें अलग क्लासिक, क्लासिक कक्षा लेंगे, अलग क्लासिक कक्षा। मेरे अंदर में जितने विचार चलते ना मैं सबको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ, चारों अनियों के जोरदार प्रैक्टिकल, आनंद आया बहुत। एक बार एक स्पेशल गोष्ठी हुई, अभी तो खैर जन सामान्य के बीच में बैठना पड़ता है ना इन दिनों में, था इसलिए उतनी अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि इन बच्चों को कितना समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ तो आ रहा होगा ना, आ रहा चल तो समझना अच्छे से। तो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय में जब समझ में आता है तो उसी क्रिया में अनंत गुना फल होता है। क्रिया का फल नहीं होता, क्रिया में समझ का फल होता है। स्वाध्याय में अनंत गुना फल होता है, व्रत उपवास में अनंत गुना फल होता है। दीपक आ गए कि नहीं आए, नहीं आया, अच्छा हाँ पीछे बैठ गए, अच्छा अब तुम्हारा बहुत सुंदर विषय चल गया आज प्रैक्टिकल, कोई बात नहीं अभी आगे समझना थोड़ा सा, जरा समझना। इसीलिए सच्ची समझ के फल में दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर के अनंत गुनी वृद्धि, अनंत गुनी वृद्धि, अनंत गुनी वृद्धि, इसके फल में केवल ज्ञान। तुम कपड़ा पहने पहने घर में 24 घंटे का उपवास करो, 24 घंटा सास पढ़ो, 24 घंटा पूजा करो, उसमें तुम्हारे लिए केवल संख्यात भाग वृद्धि होती है।
और दिगंबर महाराज के एक अंतर मुहूर्त में अनंत गुना वृद्धि होती है। अब बताओ ग्रस्त रहना अच्छा है कि मुनि दशा अच्छी है, लेकिन स्वरूप समझोगे तब, नहीं तो तुम जंगल में जाके ऐसे करोगे क्या करें फंस गए भाई। दीक्षा में से वृद्धि होती है कि सच्ची समझ में से, वो सच्ची समझ, तो सच्ची समझ अनंत गुणी वृद्धि करने वाली है, इसलिए सच्ची समझ करने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। अब मैं स्वाध्याय की चर्चा कर लूं, 20 मिनट है अपने पास, और जो थोड़ा इंटरवल हुआ उसका 5 मिनट और लूंगा तो 25 मिनट, ठीक है कि नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब बिल्कुल प्योर, मैं तो इतनी भूमिका बनाई है स्वाध्याय करने की, भूमिका इतनी बनाई मैंने, जबकि मैं पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ, ये सब चीजें पुराने पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, बहुत पढ़ा चुका हूँ इन चीजों को, जिन्हें विस्तार से सुनना हो तो जरूर ही सुनना उसे, फिर आगे बात करेंगे अपन। चलो स्वाध्याय माने क्या, स्वाध्याय माने रीडिंग नहीं, स्वाध्याय माने रीडिंग नहीं, दिमाग में से निकाल लो बिल्कुल, स्वाध्याय माने रीडिंग नहीं। एक बड़ी दुख की बात है, जब भी हमने कहा स्वाध्याय का नियम लो तो सब लोग फटाफट ठीक है पंडित जी आधा घंटा पढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे एहसान कर रहे हो। आधा घंटा नहीं, ध्यान रखना सच्ची समझ होने के बाद 24 घंटे स्वाध्याय होती है, नींद में तक स्वाध्याय होगी आपको। चलो शास्त्र पढ़ने से ही स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय का पहला भेद है बांचना, वंचना नहीं, वंचना, वंचना तो अपराध है, बांचो। थोड़ा बच्चों के लिए सरल करता हूं, टीचर जब भी कभी आपको मैथ पढ़ाते हैं या कोई चीज पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, घर से पढ़कर आना बोलते कि नहीं, पढ़कर आना, पढ़कर आए कि नहीं, पहले नंबर पूछते पढ़कर आए कि नहीं। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, सर 15th नंबर का सम नहीं बन रहा है हमको, 15th नंबर का। तो सर कहते हैं अच्छा आपने करके देखा था, कि सर करके नहीं देखा, आप करा दो। कराएगा, कराएगा सर, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल नहीं बन रहा थ्योरी, वो क्या प्रैक्टिकल नहीं बन रहा हमसे, आप करवा दीजिए। तुमने करके देखा था, कि नहीं देखा, पढ़ के आओ, पहले पढ़ो और करो। इसका मतलब यह है कि दुनिया, सुनना मैं जो काम की बात कर रहा हूं, दुनिया में प्रश्न पूछने का अधिकार उसे है जो बांच कर आया हो, बांचना कर्तव्य है तब प्रश्न पूछना आपका अधिकार है। बांचो पहले, बांचना कर्तव्य है। आज दुख इस बात का है कि जैन समाज में झगड़े उनके साथ हो रहे हैं जो बांचते नहीं है, पूछते हैं। गजब बात है, 24 घंटे अपनी जिंदगी में स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सारा देख रहे हैं, उन पर ऐसे ऐसे उंगली लगा, ऐसे क्या कहना था, दूरबीन लगा के देखते हैं, मिथ्या दृष्टि लगता है ये तो बोले आदमी तू पढ़ के बोल। पहले पढ़ता कहां लिखा है भगवान आत्मा शुद्ध है, ये तो तू पढ़ के आया क्या, फिर हम तो बता देंगे कहां लिखा है। यदि उसे लिखा हुआ भी दिखाते तो स्वयं नहीं बांचता, स्वयं डिसीजन नहीं करता, तो धीरे से बोलता लिख दिया होगा कहीं कहीं, ले अब हम क्या करें बता, कहीं कहीं लिख दिया होगा कहीं कहीं, भैया तुझे झगड़ा करना है कि समझना है, तुझे आत्मा का अनुभव करना हो तो फर्स्ट बांचो। क्या बात है, ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू रीड देन आस्क। अगर पढ़ने का भी 5 मिनट के अंदर उल्लेख कर दूं, 5 मिनट के अंदर पढ़ना, पढ़ना मतलब ऐसे नहीं पढ़ना जैसे कई बार अपन विधान करते हैं ना, विधान इंद्रध्वज मंडल विधान, तो रोज ऐसे कितने पन्ने हो गए, 15, 5 मिनट में एक पेज के हिसाब से 15 5, अरे यार सवा घंटा डेढ़ घंटा तो लगेगा कम से कम, और फिर पंडित जी भजन वर्ग आएंगे, अरे यार 2 घंटा, चलो ठीक है।